दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का उपयोग टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रैम एक ब्रिज का काम करती है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। इसमें डेटा स्टोर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है तथा रैम में पावर सप्लाई हटने पर रैम में स्टोर इन्फॉर्मेशन मिट जाती है। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का उपयोग परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। इसमें डेटा के स्टोर होने में समय लगता है और रोम का उपयोग फ्यूचर में डेटा को स्टोर रखने के लिए किया जाता है। रोम में पावर सप्लाई हटने पर भी स्टोर इन्फॉर्मेशन नहीं मिटती है। तो दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।